नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का दिन है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अषाढ़ सूद बीज। मित्रों, आज की डेट 12 जुलाई 2021। सूर्योदय का समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त का समय होगा 7:29। आज की राशि होगी सिंह राशि और नक्षत्र होगा आश्लेषा। तो मित्रों, आप शुरू करते हैं आज का राशि भविष्य। શું તમે ડોક્ટરે રિપોર્ટ કરાવીને કંટાળી ગયા છો? તો ચાલો જાણીએ આપણે આપણી જન્મકુંડળીથી આપણને કયો રોગ થયો છે અથવા થવાની સંભાવના। તો શું કરવું જોઈએ? તો એક જ ઉપાય છે, તું તારી પોતાની લાલ કિતાબ બનાવીને તેના ઉપાય કર। શું એનાથી જિંદગી બદલાશે? શું કરશે તો જરૂર બદલાશે। લાલ કિતાબ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે કે જેમાં તમારા માટે તમારે જાતે જ ઉપાય કરવાના હોય છે। શું વાત કરે છે? હા ભાઈ, જેમ આપણે જમીએ તેમાં આપણું જ પેટ ભરાય, તેવી જ રીતે આ લાલ કિતાબ નો ઉપાય કરે છે અને જે તે ઉપાય કરે છે તેનું જ કલ્યાણ થાય છે। તો ચલો ના, લાલ કિતાબ ના ઉપાય થી ચાલો બનાવી આપની પોતાની લાલ કિતાબ। નીચે સ્ક્રીન પર ચાલતા નંબરો થી તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। મેષ રાશિ વાલે જો જાતક નોકરી કર રહે ઉનકે લીએ આજ કા દિન બહોત અચ્છા સાબિત હોગા। નોકરી મે પ્રમોશન ભી દિખતા હૈ ઓર બહોત દિન અચ્છા આપકે લીએ। વૃષભ રાશિ વાલે કો આજ થોડી સી બેચેની હો સકતી હૈ, કોઈ ડિસિઝન આપ લે નહીં પાઓગે। लेकिन मित्रों, मन शांत रखो और सोच समझ कर अगर आप डिसीजन ना ले सको तो घर के किसी बुजुर्ग से या किसी अच्छे मित्र की सलाह लेकर आज आप डिसीजन लेना। मिथुन राशि वालों के लिए आज फाइनेंशियली मैटर्स बिगड़ती हुई दिख रही है। तो मित्रों, आज सुबह से ही पहले से इस पर ध्यान देना और एक अच्छी सोच बनाकर पूरा दिन इस पर ध्यान रखना ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े नहीं। कर्क राशि वाले को आज घर में किसी से मनमुटाव हो सकता है। तो मित्रों, मनमुटाव तभी होता है जब हम गलत शब्दों का यूज करते हैं। तो मित्रों, आज इस पर काबू रखना और अपने क्रोध पर काबू रखना। सिंह राशि वाले को आज मान सम्मान मिल सकता है, आपकी यश प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। कन्या राशि वाले को बहुत दिनों से आपने जो सोच के रखा अपने मन में उसमें आज आपको अच्छी सफलता मिलेगी और वैसे कार्य आप पूर्ण भी कर सकोगे। तुला राशि वाले के लिए आज किसी व्हीकल के लिए आपके जो वाहन है उस पर कुछ पैसा खर्च करना पड़े, वो अचानक से बिगड़ जाए या कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आपको वाहन पे पैसा खर्च करना पड़े। वृश्चिक राशि वालों को आज संतानों से अच्छी खुशी मिलेगी, आपके संतान पढ़ाई लिखाई में स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे और एक अच्छी नामना कमाएंगे। धनराशि वाले को आज सुबह से ही अपने कामकाज पे ध्यान देना है। आज अगर किसी को उधार देना है तो सोच समझ कर दे, लिखाई पढ़ाई करके ले करके दे, आज कहीं ना कहीं आप अपना पैसा खो सकते हो। मकर राशि वाले को आज कुछ हेल्थ के इश्यू खड़े होंगे, मसल्स पेन, कोई चोट लगना, ऐसी कोई घटना हो सकती है। तो मित्रों, आज सुबह से ही अपने वाहन चलाने पे कहीं आना जाना है तो चलने घूमने में थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना। कुंभ राशि वाले को आज अपने मित्रों से कुछ अनबन हो सकती है, कुछ कहा सुनी हो सकती है। तो मित्रों, आज ऐसी बाबतों पर अपना ध्यान बनाए रखना ताकि ऐसी कोई घटना न घटे कि कोई अच्छी मित्रता अपनी टूट जाए। मीन राशि वाले को आज व्यापारिक कामों में कुछ अड़चने आती हुई दिख रही है। तो मित्रों, सुबह से ही अपने व्यापार पे ध्यान बनाए रखना ताकि ऐसी कोई मुश्किली आ जाए तो उसको हम सॉल्व करें, और आपके ध्यान में होगी ये बाबत तो ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इस बारे में अपना ध्यान बनाए रखना। तो मित्रों, ये था आज का आपका राशिफल। अब देखते हैं आज के सुविचार। तो मित्रों, दुश्मन के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके अगर आप जाते हो तो वो अपने हथियार फेंक देता है, वो निशस्त्र हो जाता है। तो ये चीज़ आपके जीवन में होनी चाहिए, दुश्मन को भी हंस के जवाब दे। मित्रों, आज की वैद्यकीय सलाह, अजवाइन और हींग ये दोनों इकट्ठा करके आप खाते हो और इस पर थोड़ा सा पानी पी लेते हो तो आपके
पेट के जो कृमि है वो मर जाते हैं। तो मित्रों ये था आपका आज का राशिफल, वैद्यकीय सलाह और सुविचार। अब देखते हैं आज का उपाय। मित्रों आज शिव जी का ध्यान धरें और ओम नमः शिवाय का मंत्र 11 बार जप के घर से निकले, पूरा दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मित्रों मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। मित्रों ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले भी इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।